अनरैप का थोड़ा बता। अनरैप जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा इस टाइप का कोई शेप है, कोई शेप है, इसके ऊपर आपको टेक्सचरिंग करनी है, मटेरियल करना है। जैसे कि हम लोग कोई कोई भी अगर मटेरियल्स अगर डालते हैं, कोई मैप डालते हैं, कोई भी ऐसा मैप जिससे उसको दिक्कत हो, जिसमें उसमें प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा तब तब मामला अच्छे से बैठेगा। जो भी मैप करते हो आप, अभी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, चलो इधर फिट हो गया, इसको साइड से फिट कर रहा हूँ, इधर फिट हो गया, इसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है, सब जगह आप एक सिमिलर डाल दो, सब जगह देखिए 10 इधर पे डाल दिया, 1 वैल्यू इधर डाल दो, ये सब जगह एक सिमिलर। अगर आपका टेक्सचर कैसा है, पूरी तरह से स्क्वायर है, यानी कि अगर ये स्क्वायर पैटर्न में होता, मान लीजिए ऐसे में स्क्वायर तो है, मगर ये जो मैप का जो साइज है वो स्क्वायर नहीं है, यानी कि जो इसका मैप का जो साइज है, यानी कि इमेज का जो साइज है वो स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है, यानी इसका हाइट छोटा है और विड्थ बड़ा है, उस जगह पे हम लोग को इसकी हाइट को छोटी लेनी पड़ेगी और विड्थ को बड़ा लेना पड़ेगा, यानी अनइवन साइज लेना पड़ेगा। टेक्सचर की साइज आपकी सिमिलर होनी चाहिए आपकी हाइट के बराबर, जो भी आप टेक्सचर आप लेते हो, टेक्सचर का जो भी साइज होता है इमेज की साइज, इमेज की साइज, इमेज की साइज, इमेज की साइज, ऑलमोस्ट आई थिंक सो, ये मेरे को प्रॉपर स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि इसकी इमेज की साइज है 1000 बाय 1000, इसका इमेज का साइज प्रॉपर स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल रहेगा उस जगह दिक्कत आती है, क्योंकि टेक्सचर कहीं भी आपका स्क्वायर होना चाहिए और साथ ही साथ में सीमलेस होना चाहिए, तब तो वो पूरी तरह से बेटर होता है वो टेक्सचर, नहीं तो उसको फिर अप्लाई करना बहुत ही सरदर्द का काम होता है। नीचे अगर वो टेक्सचर आपका स्क्वायर हो, जैसे कि ये स्क्वायर है पूरी तरह से, इसको अप्लाई करना कोई भी दिक्कत का काम नहीं होगा, बस सबको एक सिमिलर वैल्यू दे दूंगा हाइट और विथ, और उसको यहाँ पर देखो टेक्सचर प्रॉपरली बैठ जाता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर सिमलेस होता तो इधर पे ये सिम नहीं आता, इधर पे ये जो लाइन दिख रहा है वो भी नहीं आता, मगर ये सिमलेस नहीं है टेक्सचर, इसलिए इधर पे इसके अंदर लाइन आ रहा है। अभी इधर पे क्या प्रॉब्लम होती है कभी कभी, कि अभी ये तो चलो ठीक है, हम लोग पास स्क्वायर होना चाहिए, सिमलेस होना चाहिए, ओके। अगर मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे पास, मैं इधर पे कुछ अलग ही टाइप का कलर कुछ डालना चाहता हूँ फोटोशॉप से, अलग टाइप का मतलब कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि इधर मैं नाम लिखना चाहता हूँ प्रॉपर इसी जगह पे, ऐसे क्रॉस में लिखना होगा, ABCD कुछ करना चाहता हूँ, या फिर इसके अंदर कुछ अलग ही टाइप का ऐसे कलर वेव जाना चाहिए, इसी तरह से ऐसे ऐसे 3 नंबर से ऐसे वेव जैसा टेक्सचर घूमना चाहिए, इसी तरह से ऐसे ऐसे कलर घूम के जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या सीन है, यू बी अनरैप, UPW अनरैप करना पड़ेगा। तो अनरैप के लिए क्या सिस्टम होता है, आपको जाना पड़ेगा सीधा अनरैप पे, चलते हैं। पहले तो हम लोग उसको कर लेंगे प्रोजेक्शन एज अ बॉक्स, बॉक्स में प्रोजेक्शन कर लेंगे, तो इसके अंदर क्या आप देख सकते हो सब जगह पे प्रोजेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर इसको मैंने बॉक्स तो कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो इधर पे इस तरह से बन गया है, इस तरह से बन गया है, कोई दिक्कत 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 दिक्कत, चलो तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे चलते हैं सीधा UV एडिटर पे, ओपन UV एडिटर पे चलते हैं। अभी देखो तो पूरा मिक्सअप मसाला आ गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करना क्या इसके साथ में, इस तरह से ऐसा आएगा तो फिर मैं करूँगा कैसे मैप, ठीक है, किसमें क्या करना है समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे सिंपल होता है हमारे पास कि आप सीधा उसको कर लो पैटर्न मैपिंग, एक बार क्लिक कर लो मैपिंग में जाके, पैटर्न मैपिंग में क्लिक कर लो, फिर इसको ओके करके देखो कि क्या होता है, कि आपका ये फ्रंट वाला आपके पास अलग से आ जाएगा, बाकी साइड साइड के आपको अलग अलग से मिल जाएंगे। मैंने आपको आगे की तरफ का आपको चाहिए था वो आपके हाथ में आ गया, बाकी आप चाहो तो इनको भी अलग अलग से ज्वाइन करके एक कोने में कर सकते हो, इम्पोर्टेंट हो तो, बाकी नहीं करना है तो छोड़ दो यहीं पे रहने दो, ठीक है। तो अगर अंदर का तो आप तो एक सिंपल सा एक सिंगल कलर ही करने वाले हो, बाकी तो इनको जहाँ पर रहना है वहीं पर रहने दो। फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग, करेंगे यहाँ पर रेंडर UW टेम्पलेट्स करेंगे, और टेम्पलेट की साइज़ कितनी होगी, टेम्पलेट साइज डिपेंड करेगा आपका टेक्सचर का इमेज का साइज, जो इसका टेक्सचर का इमेज का साइज बनेगा, और आप इसको
4K चाहते हो तो 4K ले लो, या फिर 1000K पे चाहिए तो 1000K पे ले लो। तो मैं यहाँ पर 2000 का साइज का ले रहा हूँ इमेज टेक्सचर, तो इसको मैं कर लेते हैं रेंडर। और यहाँ पर देख सकते हैं हमको ये देख सकते हो पूरा, हमको इधर पे पूरा एक लाइन आ गया हमारे पास, एक पैटर्न आ गया हमारे पास। इस पैटर्न के ऊपर हम लोग फोटोशॉप में लेके जाके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं सेव करके दिखाता हूँ। ओपन करता हूँ, जो मैंने नंबर 3 वाला सेव किया था अभी आ गया इधर पे, सेम सारी चीजें। अब बोले अभी इसका क्या करेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैंने इधर पे एक इमेज लाइक मैंने ये पैटर्न ऐसे बस छोटा सा पैटर्न यहाँ पर इतना डाल दिया, ऐसे मैंने डाल दिया, और दूसरा पैटर्न इसको यहाँ पर ऐसे डाल दिया, जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ पहले। इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ इधर पे, एक टेस्ट करके करेंगे। अभी उस मैप को अप्लाई करूंगा 3D Max में, जो अभी मैंने इसको सेव किया जो भी ये है, ठीक है। 3D Max में आता हूँ, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। मगर आपको ये जो भी वो आपको गायब नहीं करना है, गायब कर दो तो आपका पूरा सब कुछ मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर अभी आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर फिर मैं एक नया सा ले लूँगा मटेरियल एडिटर, उसमें डाल दूंगा वही मैप जो अभी हमने नया नया मैप क्रिएट किया है, ठीक है। इस मैप को डाला और असाइन कर दिया। अभी आप देखोगे जैसा उधर पे मैप्स था सेम वैसे ही इधर पे अप्लाई हो गया। ये इसका इस साइड वाले में ऐसा चढ़ गया, इस साइड वाले में ऐसा चढ़ गया। अगर मैं इधर पे अगर मैं कोई नाम लिखता हूँ, और इधर पे भी मैंने कुछ एक और वर्ड कोई लिख दिया दूसरे कलर में, इधर पे फेल हो जाएगा। इसको भी अगर मैं सेव करता हूँ, अगर मैं इसमें ही रिप्लेस कर दूंगा तो उधर पे वो अपडेट हो जाएगा। रिप्लेस कर दिया, तो अभी मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ 3D Max में, थोड़ा टाइम के मेरे को या फिर रीलोड करना पड़ेगा या फिर उस मैप को इधर पे वही लिख के आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर पूरा पूरा मैप क्रिएट कर सकते हो, पूरा मैप बना के इसको फिर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरा जो टेक्सचर था जो अभी मैंने जो डाउनलोड किया था टेक्सचर ये वुडन वाला, उसको ही मैं पूरा असाइन कर दिया यहाँ पर। अब तो आपने तो इसको फील कर दिया, ये तो समझ में आ गया मुझे, मगर फिर तो ये तो पूरा अप्लाई हो जाएगा सब जगह पे। हाँ वो तो समझ रहा हूँ, पूरा तो अप्लाई हो जाएगा। इसको ही मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl 6, ओके, जो इसका बाउंड्री मेरे को पता चले, और थोड़ा सा मैं इसको ओपेसिटी कम कर लेता ताकि मेरे को पता चले ये देखने के लिए मेरे को, ठीक है। मेरा जो ये बाउंड्रीज है यहाँ तक जा रहा है, इसके बीच में मेरे को कुछ लिखना है मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर इसको सेव कर, इसको अप्लाई करूंगा तो ये पूरा पूरा ऐसे ही पैटर्न जाएगा सब जगह पे, जैसा इस पे ऐसे ऐसे अप्लाई हो, इधर पे ऐसे ये लाइन्स अप्लाई हो रही है, ये सब सारी चीज़ें। इधर मैंने इसे टेक्सचर डाल देता हूँ, इसका कलर अगर मैं चेंज करना है तो कलर चेंज कर दिया। अब बोला ये तो लाइन्स आ रही है, लाइन्स को आप इसको कर दो बंद, तो इधर पे पूरा टेक्स्ट ही आ गया। अब तो टेक्स्ट यहाँ पर आ रही है, ये आ रहा है, ओके। अब मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट, जो यानी कि आप सेम नाम का इमेज बनाओ, दूसरे नाम का भी बना सकते हो, और उसको आप यहाँ पर से रिप्लेस कर लो दूसरे नाम का टेक्सचर। अब देखो इधर पे हैप्पी आ गया, इधर पे न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब इधर से आप ऐसे इधर पे से कलर घुमाया जैसे मैं बताया था, अगर कलर ऐसे घुमाना है मुझे, कलर ऐसे लेके जाना है ऐसा कुछ, तो आप कलर अप्लाई कर लो जो भी कलर मुझे चाहिए यहाँ पर। जैसे मुझे चाहिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ले लिया, ग्रीन कलर को मैंने पीछे की तरफ लिया, एक नया लेयर बना लिया, और अच्छे से ऐसे मुझे कलर घुमाना है। तो अभी मेरा ये कलर्स आ गया, अब बाकी मैं इसके लाइंस को हटा दिया। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे को वैसे ही पैटर्न वहाँ पर बन जाएगा, जस्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एंड ये कर लिया सेव, इसको चेंज कर लिया मैंने मैप, ये चेंज हो गया, और ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी अनरैपिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।